गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? तो आज है थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट डे और मैं सोचा चलो वीडियो शूट करते हैं। लास्ट सेमेस्टर है कॉलेज लाइफ एंजॉय करने का, तो मैं सोचा ये 3 महीने फुल ऑन एंजॉय होगा। तो आज फर्स्ट डे है सेमेस्टर का एंड इस बार क्या हुआ ना कि थोड़ा सा चेंज हो गया। जो क्लासेस है वो 2 दिन जो क्लासेस है वो होंगी दोपहर को 3:30 से 6:30 तक, और 2 दिन सुबह से लेकर दोपहर तक होंगी। तो कुछ इस तरह से रहेगा स्केड्यूल। तो आज वाली दोपहर वाली है, आज है 8 मई वेंसडे, और आई थिंक बता दी, मैं दोबारा से बता रही हूँ। तो पहुँच गए हैं क्लास में और पहले कॉफ़ी पीने का प्लान था बट विनोद फिर तेल बेल डलवाने लग के गैस डलवाई उन्होंने तो लेट हो गए, तो फिर कॉफ़ी वॉफी तो पी नहीं, तो विनोद चले गए हैं। आई डोंट नो वो काम करेंगे कि रेस्ट करेगा, अभी कह रहा था गाड़ी लगा के मैं सो जाऊँगा। और आज काफ़ी कुछ करना है और एक दो जगह जाना है शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो मैं सोचा चलो कर लेते हैं। फर्स्ट डे है वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा और शॉपिंग वगैरह जो करनी है वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो मैं क्लास में हूँ अभी, है 5-7 मिनट है अभी तो क्लास स्टार्ट होने में, इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। और यहाँ से देखो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, तो मैंने ले ली है बैक वाली सीट, बहुत ही अच्छा, मतलब हाफ स्लीव पहनी मैंने। तो आज का जो वेदर है वो बिल्कुल सही है, मतलब ठीक है। जैकेट लेके आई हूँ, अभी दिखाते हैं आपको क्लासरूम भी। और ये इस बार जो है ना दूसरा क्लासरूम हमारा, ये मुझे अच्छा लगा, बाकी जो पहले वाला था उससे भी मैंने दिखाया एक दो बार, इधर का व्यू दिखता है और रूम से ही और इससे भी दिख रहा है। तो चलो क्लास दिखाती हूँ और आप लोग साथ शेयर करती हूँ आज का दिन। तो ये है क्लासरूम, मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर, तो क्योंकि रुचि ने बोला था कि उसको चार्जिंग पॉइंट चाहिए, तो रुचि यहाँ बैठ जाएगी, मैं यहाँ बैठ जाऊँगी। अदरवाइज़ मेरी जो फेवरेट सीट होती है वो होती है ये कॉर्नर वाली। तो ये है हमारा क्लासरूम, अभी सर आए नहीं हैं, कुछ बच्चे आए हैं, कुछ आएंगे, तो बैक वाली जो सीट है ना उसको लेने में मज़ा आता है, तो मोस्टली हम ट्राई करते हैं कि बैक वाली जो सीट है उस पर ही बैठें। एंड ये जो हमारे टेक्निकल पढ़ाते थे सर वो हैं, मतलब वो सामने वाले। तो ये है क्लास और ये है हमारे क्लास से व्यू, ये आपने देखा होगा बहुत बार ना, बहुत ही अच्छा है सनी डे। तो बीच में एक ब्रेक मिलता है 1.5 आवर के बाद, तो मतलब ऑलमोस्ट तब मिलता है, तो हम बाहर आ जाते हैं, 10-15 मिनट का ब्रेक होता है। और दोपहर की क्लासेज है तो यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट इस टाइम पे खाली ही मिलते हैं, 3:30 बजे शुरू हुई थी हमारी क्लास। तो बस क्लास फिनिश करके हम पहुंच गए थे अपने बस स्टैंड पे और विनोद आए नहीं, विनोद काम कर रहे थे, तो हम लोगों ने बोला कि चलो ठीक है हम बस से ही चले जाएंगे, मैं और रुचि दोनों अपना पहुँच जाएंगे। तो बस का वेट कर रहे हैं और आज पहली बार ऐसा हुआ कि बस बहुत ज़्यादा लेट थी, मतलब 5 मिनट डिले, 15 मिनट डिले, फिर आधा घंटा, मतलब आई थिंक से 45 मिनट्स डिले थी बस, बट वो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हो गई थी। और अगर हम पैदल जाते ना तो 10 मिनट की वॉक पे ही LRT स्टेशन था, बट हम बस का वेट करते रह गए। फिर लास्ट में बोला अब तो हम बस में ही जाएंगे, तो फिर लास्ट में फाइनली बस मिल गई और बस फिर टिकट्स लिए हमने। और ये एक सेम टिकट है ना, बस में और LRT दोनों में चलती है, यहाँ पे आपको अलग अलग लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि बस में आप अलग से टिकट लोगे और फिर जो LRT यानी जो मेट्रो है उसमें आप दूसरी लोगे, नहीं वो सेम बस सेम टिकट ही जो है ना वो चलती है वहाँ उसमें भी आपके LRT में भी। तो बस बस से उतर के और 2 मिनट भी नहीं है वॉकिंग डिस्टेंस भी, मतलब यहाँ से 1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे LRT है, तो वहाँ से ले लेंगे। और मुझे और जो है ना रुचि को एक जगह ही जाना है, मतलब एक स्टेशन होता है या तो वो जैसे पहला वाला स्टेशन जो होता है साउथ गेट, वहाँ उतर जाती, वहाँ से भी उसको बस मिल जाती है अपनी, और मैं जाती हूँ सेंचुरी पार्क, और या फिर वो सेंचुरी पार्क से भी ले लेती है। तो बस डिपेंड करता है कि उसकी बस का जो टाइम देख लेती हो कि कहाँ से जो है ना उसको बस मिल रही है, जल्दी पहुँचा रही है, तो वैसे ही रहता है। तो बस अब आप मेट्रो का वेट करेंगे।
तो मैं पहुंच गई हूँ घर पर और देख रहे हो एकदम मस्त मौसम हो रखा है ना ये मैं तो फ्रेंड्स भूख लगी हुई थी बहुत जोर से, तो मैंने सोचा चलो कुछ हेल्दी सा बनाते हैं, कुछ हेल्दी सा और अच्छा सा खाने का मन था। तो मैंने क्या किया, टोटला लिया है, उसके ऊपर एग डाल दिया है, एग के अंदर सिर्फ बेसिक नमक और मिर्च डाली है। अब उसके ऊपर एक और लगा देंगे, लेयरिंग करनी है जस्ट लाइक पिज़्ज़ा हम बनाएंगे इसका। और इसके ऊपर अब मैं डाल दूँगी चीज़ और बहुत सारी जो है ना वेजिटेबल्स, मैंने शिमला मिर्च काट ली थी, कैप्सिकम थी और अनियन टमाटो, ये सब चीज़ें मैंने कट करके और इसके ऊपर अच्छे से फैला दिया है। और अब इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो वगैरह जो है मसाले हैं और क्या था अनियन पाउडर था मेरे पास, अनियन गार्लिक, तो वो भी स्प्रेड कर दिया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब इसको फिर से एक बार एक काफ़ी सारा चीज़ डाल के और फिर से इसकी लेयरिंग कर देंगे, तो ये हमारा एज ए पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। और साइड बाई साइड जो है ना मेरी चाय भी बन गई है और बस इसको उलट पलट के बना लेंगे और धीमी आँच पे इसको बनाना है। और ये बन गया है हमारा हेल्दी सा नाश्ता, सुबह लो शाम को खाओ कैसे भी खाओ तो बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी बन जाता है। इसको कट किया और ये देखो कितना चीज़ी लग रहा है ना, बहुत ही यम्मी बना था, बहुत ही अच्छा लगता है और बच्चों को भी ये अच्छा लगा, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद मैं पहुंच गई हूँ वॉशरूम अपना, मैंने एक कपड़े चेंज किए और आज मैं सोच रही थी ना बाथरूम की हालत थोड़ी सी ख़राब हो रखी है तो इसको ठीक कर लेती हूँ। तो सबसे पहले ड्रॉर से स्टार्ट करती हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगी, बस थोड़ा थोड़ा सा ही ठीक करना है। अरेंज कर लिया है, तो मैंने सारे जो लिपस्टिक्स हैं उनको एक साथ रख दिया, लिप बाम है उनको एक लिप बाम और जो कुछ ऐसी क्रीम थी मश्कारा था उनको एक साथ रख दिया, इयररिंग्स को अलग कर लिया है और कुछ एक मेरे जैसे मंगलसूत्र चैन वगैरह हैं उनको अलग से रख दिया, बहुत कम ही पहनती मैं वॉच है वो, और ये जो बेसिक सी क्रीम है जो मुझे डेली यूज़ में होती है तो वो सब मैंने थोड़े इस तरह से अरेंज करके रख दिया। अब शॉर्ट हो गया है सुबह, जब जल्दी हो गया ऑफिस जब जाना होगा ना तो मतलब भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो इसको करते रहना पड़ता है, एक बार करने से काम नहीं चलता है। बाकी जो दो ड्रॉर्स हैं उनके भी हालत आप देख रहे हो, बट आज मैं इनको नहीं ठीक करने वाली क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, मुझे कुछ और भी काम करने हैं। और यहाँ पे मैं रखती हूँ अपना बेसिक स्किन केयर, सुबह शाम का जो मैं करती हूँ वो है, और हैंड क्रीम वगैरह है जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं, तो मैंने इनको यहाँ पर रख दिया है। और सारे जो ऑर्गेनाइज़र है ना मैं डोलारामा से लेके आई थी, तो डोलारामा में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो मिल जाती है, तो अगर आपको कुछ ऑर्गेनाइज़ करना तो वहाँ से बाय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रेट पे आपको मिल जाएगी। तो इन चीज़ों में ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। तो ये है शाम का व्यू और इस टाइम पे उधर शाम के टाइम पे ना मतलब हमारे यहाँ से सनसेट दिखता है, तो बहुत ही अमेजिंग व्यू होता है। आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, तो अपनी वीडियोज़ में आपको दिखाते रहूँगी, डिफरेंट डे पर डिफरेंट व्यू होता है। और ये बोबा टी ऑर्डर किया था बाहर से, ये परी को पीनी थी और फ्लेवर चूज़ किया था नीरव ने, तो वो आ गई है और परी है सुपर एक्साइटेड, कल छुट्टी है तो ये लोग मूवी देख रहे थे, कोई हॉरर मूवी है वो देख रहे थे और बाहर से ऑर्डर किया है, तो परी का मन था पीने का और साथ में उसको पिज़्ज़ा खाना होता है, तो टी तो आ गई है, इसको ट्राई करते हैं और पिज़्ज़ा का जो है ना वेट हो रहा है अभी। काश रोज ऐसा ही हो। तुम भी ना, मेरा मतलब ऐसी जगह में रहना, अच्छी ताजा पेड़ों की हवा। देख रहे का दिखा रहा हूँ ना, कर उसको अच्छे नहीं, तू देखना फिर क्यों लिया था। सही कहा, अच्छा मैंने एक ही मंगवाई, सबसे पहले मैं मिक्स करना होता है इसको, अच्छे से मिक्स करो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब कैसा लगा मेरे को? ये बट टेस्ट करना पड़ेगा, उसके जैसा टेस्ट है वो याद नहीं आ रहा क्या वर्ड है। चिपके ना इसको, वो करो चू करो। अब सही लगा?
बस अभी भी थोड़ी उल्टी हुई है, पता नहीं क्यों। मुझे लगा मैं रोजर बच्चे आ गए। तो डिनर में मैंने और परी ने तो पिज्जा ही खाया है, और नीरव के लिए और विनोद ने जो है ना कुछ अलग से हेल्दी खाना खाया था। तो ये था आज का हमारा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।